प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय देशों में बुनियादी ढांचा निर्माण पर ग्लासगो में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से कोई भी देश अछूता नहीं है और हमें मानव जाति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसमें सुधार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरा छोटे द्वीपीय देशों को है। पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं और इसलिए मेरे लिए CDRI या आयरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। आयरिस के साकार करने में CDRI और सीड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। यह को क्रिएशन और को बेनिफिट्स का अच्छा उदाहरण है। इसलिए मैं आज आयरिस के लॉन्च को बहुत अहम मानता हूं। आयरिस के माध्यम से सीड्स को टेक्नोलॉजी फाइनेंस जरूरी जानकारी तेजी से मोबिलाइज करने में आसानी होगी। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन मिलने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत इस नई परियोजना को पूरा सहयोग देगा और इसकी सफलता के लिए CDRI अन्य पार्टनर देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन कोरल ड्रिप मॉनिटरिंग कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी।